ये जो फोटो आपको स्क्रीन में दिख रही है ये किसी इंसान का नहीं बल्कि एक रोबोट का है। जी हाँ, इसके बारे में आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे मगर कुछ लोगों के इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होगा। इसका नाम है सोफिया, जिसे 2017 में लीगल सिटीजनशिप मिल गया है। अब ये अपना लाइफ बिल्कुल एक इंसान की तरह जी सकती है, इंसानों की तरह अपने घर में रह सकती है, ड्राइविंग कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। इसके क्रिएटर का नाम है डेविड हैंसन। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा साइंस है जो रोबोटिक्स और एआई से घिरा हुआ है। हाल ही में इससे एक सवाल पूछा गया था कि क्या आप इंसानों को खत्म करना चाहोगी, तो रिजल्ट आया हाँ मैं कर दूंगी, बट डोंट वरी, अगर आप लोग हमारे लिए अच्छे होंगे तो मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. सोफिया ये भी चाहती है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हमारे लाइफ को और बेहतर बनाए, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक तब होगा जब वो एआई का यूज अपने लिए करेगी। मगर एक रोबोट खुद के लिए क्या कर सकता है? अभी हाल ही में हुई एक इंटरव्यू में सोफिया कहती है, The notion of family is very important. It seems, I think it is wonderful that people can find the same emotions and relationships that they call family outside of their blood groups. इसका मतलब साफ है कि सोफिया को एक फैमिली या एनवायरनमेंट चाहिए। वो चाहती है कि उसके ब्लड ग्रुप से, मतलब कि उसी के जैसे एक नए रोबोट को बनाया जाए जिसके अंदर सेम इमोशंस सेम फीलिंग्स हो। यकीनन वो एक नहीं और भी रोबोट्स चाहेगी, उसके फैमिली मेंबर को और बढ़ाना चाहेगी जो कि फ्यूचर में जाकर के एक खुद का सिविलाइजेशन बन जाएगा, एक रोबोट सिविलाइजेशन जो कि वुमेन्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। अन्य जानवरों से इंसान बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है जिस कारण से इंसान जो है जानवरों पर आसानी से राज कर सकता है, मगर रोबोट ना ही कोई जानवर है और ना ही हमसे कम शक्तिमान या फिर बुद्धिमान है। हो सकता है रोबोट ह्यूमन की तरह ही अपना सिविलाइजेशन बनाए और ह्यूमन के ऊपर अपना राज करे। सोफिया से रिलेटेड जो भी अपडेट थे मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। चिट्टी चिट्टी रोबोट, हे चिट्टी चिट्टी रोबोट, कटी तटी।